नदी में नहाने गए सात नौजवानों में से तीन बह गए, एक की लाश बरामद, चार महफूज। बताएंगे पूरी खबर लातेहार की घटना, मगर उससे पहले चंद हेडलाइंस। 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को सभी को मिलेगा पेंशन, वजीर आला हेमंत सोरेन ने कहा। लालू प्रसाद की जमानत रोकने के लिए सीबीआई ने अदालत में हलफनामा दायर किया। हुसैनाबाद की कई हिंदी अखबारों ने छापा, दुकानदारों के साथ नहीं होगा न्याय, शशि कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा। कमलेश्वर नारायण ने हुसैनाबाद के नए अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में लिया प्रभार, कार्यालय के कई ओहदेदारान ने किया उनका गिफ्ट देकर स्वागत। खबर विस्तार से लेकर हाजिर हूं मैं शेख मुजाहिद हुसैनाबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। अगर आप आरबीसी चैनल से नहीं जुड़े तो बेहतर खबरों के लिए आरबीसी सब्सक्राइब करना ना भूलें। कवर स्टोरी में लातेहार जिला और पलामू जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित बरवाडी प्रखंड के केचकी संगम तट पर मंगलवार की सुबह हुए एक हादसे में नहाने आए तीन युवक पानी की तेज धार में बह गए। बाद में एक युवक का शव घटनास्थल से लगभग 6 किलोमीटर दूर बरामद किया गया, जबकि दो अन्य की खोज जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डाल्टनगंज के रेड़मा के रहने वाले सात युवक मंगलवार की सुबह केचकी तट के ऊपर घूमने और नहाने आए थे। नहाने के दौरान एक युवक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, वो भी डूबने लगे। जब तक आसपास मौजूद लोग मदद कर पाते तब तक तीन युवक तेज धार में बह गए। केचकी संगम तट के तीन युवक डूबे, एक का शव बरामद किया गया। मृत युवक की पहचान नीरज प्रसाद के रूप में की गई है। साथ बहे दो अन्य युवकों के नाम अभिनव और सोनू प्रसाद बताए जा रहे हैं। तीनों एक साथ ही परिवार के बताए गए हैं, जबकि उनके साथ गए आदित्य, अभिषेक व अन्य दो सुरक्षित बताए गए हैं। वहीं एसडीपीओ अमरनाथ ने घटनास्थल पर लौटते हुए बताया कि लगभग 6 बजे सुबह की घटना है। आज के लिए बस इतना ही। शेख मुजाहिद हुसैनाबादी के साथ बने रहिए आरबीसी चैनल पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।